Hello everybody, welcome back my YouTube channel PVR Study. चलिए friends, आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लाए हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन जो काफी इम्पोर्टेंट है. आपके लिए एक छोटा सा थॉट है, जो अपने कदमों को काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर ही पहुंचते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो टाइम को ना लॉस करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं, अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है. ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं क्वेश्चन पे. जैसा कि फ्रेंड्स देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है. तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बेरियम होता है. बेरियम के कारण आतिशबाजी में हरा रंग उपस्थित होता है. ओके, तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो टंगस्टन. टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जो धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट में इसका प्रयुक्त किया जाता है. ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स? थर्ड क्वेश्चन है, समान ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी होती है? पहले तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आर्गन का फॉर्मूला AR. AR इसका सूत्र होता है, मतलब ओके प्रतीक होता है, हम ये कह सकते हैं, सॉरी सूत्र नहीं प्रतीक होता है आर्गन का AR. तो उसके मतलब कि आर्गन के साथ कौन सी गैस होती है? तो मर्करी वेपर का प्रयोग किया जाता है. ओके, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वैनेडियम पेंटोक्साइड का प्रयोग हम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स. फाइव नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फाइव नंबर है, कृतनाशी रोडेंट नाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है जिंक फास्फाइड का प्रयोग कृतनाशी रोडेंट नाशी में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है. ओके, चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स. सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्लोरीन हैलोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में होता है? कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन हैलोजन का प्रयोग किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन नंबर, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हैबर विधि द्वारा हम औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन करते हैं. ओके, एट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स. हमारा एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट नंबर क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो फ्रेंड्स मेंडेलीव एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया था. और आवर्त सारणी फ्रेंड्स हमारा जो होता है उसमें सारे एलिमेंट सारे तत्व का टेबल बना होता है जिसको हम आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं. और आपको बता दें कि आवर्त सारणी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से होते हैं और अलग अलग ग्रुप में बटे होते हैं. ओके, चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं. नाइन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नाइन नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेलन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में सबसे अधिक क्षमता होती है. गामा किरणों की खोज वैकुलर नामक वैज्ञानिक ने की थी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक या केमिकल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या होता है फ्रेंड्स? सिल्वर का क्या होता है? AgBr2. ओके, सिल्वर ब्रोमाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है. 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं. 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में
प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का रासायनिक फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, इसको चलिए हम देख लेते हैं। सिल्वर आयोडाइड का फार्मूला होता है AgI, AgI होता है इसका फार्मूला। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट है हमारा फ्लोरीन हैलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स जिनोन। जिनोन से अधिकतर वो मिलकर फ्लोरीन हैलोजन तत्व के साथ ये मिलकर अधिकतर यौगिक बनाने की कोशिश करता है। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ताप एवं दबाव किस समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो फ्रेंड्स अणु की संख्या समान होती है दाब एवं दबाव के समान अवस्थाओं में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 40 नंबर। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स कि एलपीजी गैस में कौन सी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ब्यूटेन जो होती है वो एलपीजी गैस में पाई जाती है। ओके चलिए आते हैं और आगे आपको एक चीज बता दें कि ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। ब्यूटेन का जो हमारा फार्मूला होता है वो है C4H8 ब्यूटेन का फार्मूला होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रही हूँ लिख के कि इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स क्या, चलिए आइए देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, जस्ट वन मिनट, आपको बता दिया जा रहा है कि इसका जो फार्मूला है वो होता है C4H8। ओके सॉरी मैं टाइप नहीं कर पाई यहाँ पे, चलिए मैंने आपको बता दिया है। तो 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में क्या उपस्थित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला फ्रेंड्स लिखा हुआ है CO2। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरक तथा अकारक दोनों की सतह प्रयुक्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सोडियम नाइट्राइड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ा बताते हैं हम आपको आगे क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि CO का मतलब होता है फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड पदार्थ अमोनिया का स्रोत होता है फ्रेंड्स NH3 की हैमर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करते हैं, निरोधक का कार्य करते हैं फ्रेंड्स। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस CO का मतलब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका मतलब। ओके और इसके बाद आयरन का तो आपको पता ही है कि आयरन का मतलब होता है Fe, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ चाहे लिख के फ्रेंड्स कि इसका CO फॉर्म बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दिया गया, सॉरी CID नहीं होता, SID होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, आगे है हमारा कि समान निम्न में से हाइड्रोजन भविष्य का क्या कार्य है, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, ईंधन कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये सोडियम जो होता है, सोडियम का सूत्र आपको सबसे पहले बता दिया जा रहा है फ्रेंड्स कि हमारा सोडियम का सूत्र क्या होता है, सोडियम का सूत्र होता है फ्रेंड्स Na। ओके क्या होता है Na, देख लीजिए मैं लिख के बता दे रही हूँ, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। ओके N Na
ये हमारा सोडियम का फॉर्मूला है और जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हमारा सोडियम है और ये प्लस क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे? ऑक्सीजन से। ओके, तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, वो सोडियम ऑक्साइड ये बनाता है किससे क्रिया करने पर, सोडियम और ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या बनाता है फ्रेंड, सोडियम ऑक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब कि NaOH। ओके, तो मैं इसको टू लिख के लिख दे रही हूं कि बनाता है फ्रेंड, देख लीजिए NaOH। ओके, NaOH। ओके, तो ये हमारा बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ओके, और यहाँ पे जो हमारा सोडियम सोडियम और ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो फ्रेंड्स प्लस ये क्या प्राप्त करता है, मतलब कि क्या ये बाहर निकलता है, तो ये हमारा बाहर निकलता है वो है हाइड्रोजन। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ कहने का ये मतलब है कि सक्रिय धातु है जो सोडियम से वायु में क्रिया करके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन को उत्पन्न कर देता है जो वायु में खुला छोड़ देने पर या आग पकड़ लेती है, इसलिए ये बहुत सक्रिय धातु होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डूबोकर सुरक्षित रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं, तो समस्त रेडियो जो है वो अंतिम रूप से सीसा में बदल जाते हैं। तो फ्रेंड 21 नंबर क्या कह रहा है, किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करने कारण होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य करता है। ओके, 22 नंबर फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 22 नंबर है फ्रेंड्स कि किसी गैस के अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो फ्रेंड्स दुगना होता है उसका, किसी भी गैस का अणु भार उसके वाष्प के घनत्व का दुगना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, वनस्पति घी के निर्माण में हम कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का। ओके, तो हम किस हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको 23 क्वेश्चन बताए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है साइंस के, और ये रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आपके लिए ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स इस तरीके से आपको टोटल क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो के अंत में एक चीज बोलना चाहूंगी कि देखिए फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो देखते हैं और आप ये भी सोचते होंगे कि वीडियो तो हमने देख लिया, अब लाइक करेंगे तो हमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, ठीक है, मानते हैं फ्रेंड्स कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आपके लाइक करने से और कमेंट करने से और सब्सक्राइब करने से हमें भी बहुत कुछ नहीं मिलता। लाइक करने से हमें ये अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो को इतने लोगों ने पसंद किया, हम और भी आपके लिए उत्साहित होकर अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं जो आपके लिए काफी अच्छे हो और एग्जाम में अक्सर वो पूछे गए हो, और फ्रेंड्स कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो और उस चीज को वाकई में पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो जितने लोगों ने देखी है वही बच्चों ने कमेंट किया होगा, जो बच्चे अक्सर पढ़ते हैं
क्योंकि जो वीडियो देखता है और समझता है वही कमेंट करता है, हर एक लोग कमेंट नहीं करते। तो मैं इसलिए आपसे कहा कि अगर आप वीडियो आप देख रहे हो, आप पढ़ने के वाले स्टूडेंट हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।